बहुत गरीबी था उसका, मेरे पास 4 बच्चा है, खाने पीने कपड़ा लाता हर चीज़ की भी दिक्कत हुआ मेरे को पास। जब जीविका में रहेगा थोड़ा भी मतलब कुछ कुछ काम करते रहते तो थोड़ा दुख के मतलब हल हुआ, जीविका में थोड़ा भी रही किसी भी काम करना। पहले नहीं पढ़ते थे मेरे अब्बू, बहुत मेरी फैमिली बहुत गरीब थी, 10 रुपये लेके तरसते थे। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि जीविका की वजह से, जीविका है तो जीने के लिए। हम लोग जीविका में नहीं जुड़े थे जब, तो घर में रहती थी, घूंघट में रहती थी, तो हमारे घर वाला कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। जीविका के दीदी के साथ में जब जुड़ गई तो हम दीदी के साथ में मीटिंग में आने जाने लगी। मैं पीजी की हूँ तो मुझे कोई रोज़गार नहीं मिलता था। मैं ये बात जाकर अपने हस्बैंड से कही कि देखिए जीविका में मैंने HNS MRP का कार्य आया है, मैं कर सकती हूँ, तो बोले कि कर सकती हूँ। जीविका के माध्यम से मैं HNS MRP का कार्य करती हूँ, 54,000 रुपया मंथली कमाती हूँ, जिससे मेरे बच्चे को फीस और फिर सुकन्या में मेरी बेटी है 3,000 उसका खर्चा निकल जाता है। हमको लगता था ना कि हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अब जाते हैं तो बहुत कुछ बोल भी पाते हैं और अच्छा से मतलब वहाँ पे डरते भी नहीं है। मेरा घर नहीं था, घर भी हम बनवा लिए जीविका से पैसे लेकर। उसके बाद एक लड़की पढ़ रही है, उसी में से हम लोग जितना हम लोग तो गरीब है, लोन हम लोग लेते हैं लेकर और पढ़ाते लिखाते हैं बच्चे लोग के। ICF का जो पैसा मिलता है उनसे मेरी माँ उठाई है 50,000 रुपये और उनसे अपना घर बनवाई है। पहले घर नहीं था, छोटा मोटा घर था, पहले हम लोग को रहने में दिक्कत होती थी, अब घर बन गया है। सर जीविका से हम लोग को मिला है, जैसे पैसा मिला तो उनसे हम लोग का मकान बना, उनसे जो किराया आता है वो किराया से हम लोग माँ जो पालन पोषण हम लोग का करती है, पढ़ाती लिखाती हैं, वो सारी मतलब करती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से हिम्मत आई है कि हम लोग बाहर निकल जाते हैं। धन्यवाद है उसका, नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार जी के वजह से आज की औरत घर से बाहर निकल रही है।